नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बहुत आसान उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। ये उपाय जिसको भी बताया सबको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, खुद मुझे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इस उपाय को यदि आपने हर सोमवार या सावन महीने में या रेगुलर अपनी लाइफ में या प्रदोष के समय पूनम के दिन अमावस्या के दिन करना शुरू कर दिया नियम से, फिर से बताती हूँ, हर सोमवार प्रदोष के समय, अमावस्या हो, पूनम हो, हाँ एक त्रयोदशी के दिन, सावन के महीने में आप इस उपाय को यदि आपने नियम से किया, दोस्तों आपके घर में 7 पुश्तें बैठी खाएंगी, इतना धन आपके घर में बरसेगा। धन की कमी रहेगी ही नहीं। आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है या घर में आपने जो शिवलिंग बिठा रखा हो उसमें या कहीं पर भी शिव जी का मंदिर हो वहां जाएं, बेले पत्र को अच्छे से धो ले और उसकी जो डंडी है उसको थोड़ा, जहां से थोड़ा मोटा हिस्सा होता है उसको तोड़ दे, थोड़ी सी डंडी रहने दे, धोकर उसको साफ करे और जो उसकी चिकनी साइड है उस तरफ शुद्ध घी, गाय का घी लगा दे और 11 बिली पत्र शिवलिंग पर चढ़ा दे। नित्य ही आप इस कर्म को करें या फिर ये तमाम दिन जो मैंने आपको बताए। अगर आपको लघु रुद्री आती है तो उसमें 11 श्लोक ही होते हैं, एक बिली पत्र उठाएं, एक श्लोक बोले, ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशुनापत्य नित्य रुद्राय च पवादिने, ओम नमः शिवाय। इस टाइप से आपको 11 पत्ते भगवान शिव को अर्पित कर देने हैं घी वाले। लघु रुद्री नहीं आती है तो हर पत्ते पर 11-11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोले और भगवान शिव को अर्पित करें। कुछ ही दिन आप इस उपाय को करके देखे दोस्तों, घी आपके घर का ऐश्वर्य बढ़ाता है, गरीबी को दूर करता है, घर में धन को खींच कर लाता है। बेले पत्र लक्ष्मी प्रदान है, भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाने का मतलब है गरीबी को हमेशा के लिए भगाना, मोक्ष प्राप्त करना। ये आदमी का, इंसान का भौतिक विकास भी करती है और आध्यात्मिक विकास भी करती है। तो बेल पत्र यदि आप घी में डुबो करके अर्पित करते हैं तो रिजल्ट देखकर सच में दोस्तों दंग रह जाए, इतना बढ़िया रिजल्ट है, करके देखिए। जैसे